नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं हितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अशोकनगर जिले के राजपुर की सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला आज अचानक एक बार फिर सामने आया है। अतिक्रमण का ये जिन कल रात करीब 8 बजे अचानक दोबारा सामने आया, जब यहाँ प्रशासनिक तंत्र के लोगों ने यहाँ के निवासियों से मकान खाली करने के लिए आदेशित किया। करीब 31 से अधिक जो है अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे जिनका आज अतिक्रमण हटाना था। सुबह अमला भारी लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँचा, मगर लोगों के भारी विरोध और हंगामे के कारण दिन भर उआपुई की स्थिति बनती रही। शाम होते होते करीब 5 बजे के आसपास प्रशासन ने JCB से मंदिर के पास बनी करीब 5-6 दुकानों की शटल तोड़कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की औपचारिकता भर की। इस दौरान हंगामा और उपद्रव जो हुआ है उसको लेकर 32 नामजद लोगों सहित करीब 200 गांव वालों पर FIR राजपुर चौकी में दर्ज की है, जिसमें बलवा करने, शासकीय कार्य में व्यवधान डालने और आचार संहिता लागू होने के बावजूद हंगामा करने को लेकर कार्रवाई की गई है। दरअसल इस पूरी कहानी को हम आपको समझाते हैं कि अशोकनगर जिले के राजपुर में अतिक्रमण का यह जिन पैदा कैसे हुआ और इस स्थिति में पहुँचा कैसे कि लोग दर दर की ठोकरें खाने परेशान हो गए। अगर लोगों की माने तो करीब 100 से अधिक लोगों को यहाँ चिन्हित किया गया था अतिक्रमणकारी के तौर पर। यहाँ के एक व्यक्ति ने कुछ वर्ष पहले न्यायालय में वर्ष 2015 में एक PIL दायर की थी। दरअसल ये विवाद शुरू होता है यहाँ पर बने राम जानकी मंदिर पर बनी दुकानों को लेकर। जब ये दुकानें बन रही थी तो यहाँ के एक निवासी, जो पड़ोस का निवासी है राजू अहिरवार, उसने इस पर आपत्ति की थी और आपत्ति के बाद कोर्ट में गया था, मगर कुछ दिन बाद उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति उदम अहिरवार ने इस पर एक PIL 2018 में दायर कर दी, जिसमें ये कहा गया था कि एक शासकीय भूमि पर पूरी पर अवैध रूप से अतिक्रमण है और इसको हटाया जाए। इस PIL की सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया और राजस्व विभाग को इस सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस माह की आखिरी तारीख तक या 29 तारीख तक इसके लिए समय भी दिया गया था। हालांकि इसके पूर्व करीब 2-3 महीने पहले भी जिला प्रशासन ने राजपुर गांव के इस अतिक्रमण हटाने के लेकर एक प्रक्रिया शुरू की थी, मगर उस समय सरकार कांग्रेस की नई नई बनी थी और राजनीतिक हस्तक्षेप और तमाम सारी व्यवस्थाओं के कारण उस समय इसको रोक दिया गया था। मगर आज ये अतिक्रमण का जन एक बार फिर सामने निकल कर आया। आज सुबह अशोकनगर जिले के SDM नीलेश शर्मा और SDOP गुरचरण सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और दूसरा राजस्व अमला यहां पर पहुंच गया और चिन्हित दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। SDM ने बताया कि करीब 31 दुकानों को यहां पर हटाने के लिए कहा गया था, इसमें से कुछ लोगों ने बीती रात ही अपना सामान अलग कर लिया था। दरअसल ये अतिक्रमण का मामला इतना आसान या सामान्य समझ वाला नहीं है। दरअसल इसकी जब पीछे की कहानी देखी गई तो ये बड़ा पेचीदगी भरा मामला है और इस पेचीदगी में न केवल स्थानीय लोगों का बल्कि प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोगों की भी गंभीर अनियमितताएँ हैं। साथ ही न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ है उसको लेकर भी लोगों के बीच में तमाम तरह की बातें हैं। दरअसल इस आदेश के साथ जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे पूरे सर्वे नंबर को शासकीय बताकर यहाँ से बेदखली की कार्रवाई की गई है, उसमें पूर्व में प्रशासन के द्वारा लोगों को पट्टा दिया गया था। पट्टे के अलावा कुछ ऐसे मकान भी हैं जो सरकारी सहायता या अनुदान से बनाए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास की कुटीर है। अगर ये भूमि अवैध रूप से सरकारी थी तो इस पर इस तरह के निर्माण कैसे किए गए, और अगर ये किए गए थे तो उस समय के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई, ये बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा कोई 30-40 वर्षों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जिनको पट्टे हो गए थे, चूँकि इन पट्टों की जब बात कोर्ट को बताई गई थी तो न्यायालय ने इनको अस्वीकार कर दिया था, तो आखिर ये पट्टे किसके आदेश से हुए थे और पट्टे होने के बाद अगर ये अमल नहीं हो पाए तो इसमें लापरवाही किसकी है, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उस पर भी काम होना चाहिए। जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनमें से कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास इस अतिक्रमणकारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जिनके घर बताए जा रहे हैं अतिक्रमण की जद में, उस संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इनके आशियाने तोड़े जाते हैं तो ये दर दर की ठोकरें खाने और
बेघर होने की स्थिति में आ जाएंगे। आज जिला प्रशासन के सामने बड़ी विकट स्थिति थी। जैसे ही जेसीबी और दूसरे लाव लश्कर के साथ लोग अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो मंदिर के पास यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। महिला बच्चे और गाँव के करीब 300-400 लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पूरे हंगामे के कारण अतिक्रमण की मुहिम लगभग पूरे दिन बंद रही। शाम को करीब 5 बजे के आसपास सांकेतिक तौर पर या औपचारिक तौर पर सिर्फ कुछ दुकान जो मंदिर के पास बनी थी उनकी शटल गिराकर थोड़ा बहुत अतिक्रमण से मुक्त करने की एक चिन्हित कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस मामले में प्रशासन की ओर से राजपुर चौकी में एक मामला दर्ज कराया है जिसमें 32 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जबकि 200 अज्ञात भी इसकी जद में आए हैं। प्रशासन ने कहा है अपने आवेदन में कि जब वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, इसी बीच चूंकि शहर जिले भर में आचार संहिता लागू है और धारा 144 भी लगी है, तो लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर उसका उल्लंघन किया है। साथ ही शासकीय काम में बाधा डाली है और लोगों ने बलवा भी किया है। इस वजह से अब जिन लोगों के आशियाने उजड़ रहे थे उन पर एक नई मुसीबत आपराधिक मामले की भी बन गई है। इसके अलावा भी इस प्रकरण में कई सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो लोगों को बड़ी तकलीफ दे रही हैं। जब चूंकि इतना बड़ा मामला है, पूरे गांव के बहुत बड़े हिस्से का अस्तित्व जब संकट में है, तो उसके पीछे की कहानियां जब सामने आई तो जो चीज़ खुलकर आई है वो ये है कि राम जानकी मंदिर के अगले भाग को विस्तार करने के कारण ये मामला सबसे पहले 3 साल पहले शुरू में आया। इस मंदिर से जुड़ी एक कमेटी है, उस कमेटी ने कुछ दुकानों का निर्माण कराया और नीलाम करके उनसे पैसे अर्जित किए। ये पैसे बताया जा रहा है कि मंदिर के विकास कार्यों में लगाया, और यहीं से मंदिर के विकास और दुकानों के बनने के बाद ये विवाद शुरू होता है। इसी स्थान पर रहने वाले एक व्यक्ति ने इसको लेकर विवाद किया। विवाद के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि बीच में समझौते की प्रक्रिया भी अपनाई गई और उसके तहत उसे एक दुकान भी दी गई और कुछ अन्य दुकानों का भी निर्माण इस दौरान उसने किया, मगर ये विवाद उसके पहले कोर्ट में जा चुका था और जिस तरह की चीज़ें थीं वो सब की सब सिर्फ मुँह जवानी थी, कागजी स्तर पर इनमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज उधम सिंह का जो PI लगी थी उसके वकील भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि PIL जो जारी की थी उसमें बेदखली की कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। चूंकि आनंद फानंद में इस कार्रवाई को करने के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है उसमें राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है और 29 तारीख को उनकी पेशी की गई है या उनको बुलाया गया है। साथ ही इस दौरान अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, इसलिए आनंद फानंद में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि चिन्हित किए गए 31 मकानों में से जो आज कुछ लोगों के शटल भर गिराए हैं वो क्या टूट पाती हैं और आगे की लड़ाई इन लोगों के लिए कितनी बड़ी होगी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो आवासीय तौर पर दर्ज है उस पर यह अतिक्रमण बताया गया है और उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 8603 आपने 2015 में न्यायालय माननीय न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019 के पालन में अतिक्रमण हटाने हमारी टीम एवं पुलिस बल के साथ उपस्थित हुई और यहां पे कुल 54 अतिक्रमण हैं, जिसमें से 23 अतिक्रमण हमारे द्वारा पूर्व में हटाए जा चुके हैं और शेष 31 अतिक्रमण हटाने हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। सर अभी कुछ कार्रवाई की गई है? हाँ, यहाँ पे कार्रवाई के लिए हम लोग आए हैं, तो कुछ जो प्रतिवादी गण हैं एवं अन्य लोगों के द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन किया गया एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है, तो इसके संबंध में हम लोग परीक्षण करके उस पर भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो सर इन पर क्या प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है? इसमें वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है, धारा 144 भी जिले में लागू है, उसका भी वायोलेशन हुआ है। इसके अलावा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है और कार्य नहीं करने दिया गया है, तो हम लोग उसका भी परीक्षण कर रहे हैं और प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसका परीक्षण करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर इसमें जो अतिक्रमण है उसमें क्या मंदिर जो आ रहा है, मंदिर भी अतिक्रमण में आ रहा है क्या, मंदिर की दुकानें? हाँ, मंदिर में जो दुकानें हैं वो अतिक्रमण में हैं, तो उनको भी हटाना है। तो ये कार्रवाई अब सब कब की जाएगी? उसमें शीघ्र ही हम प्लान बनाकर उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान में स्थगित की गई कार्रवाई? नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, उसके प्लान कर रहे हैं। अरे भैया रात के गिर के डोर पीट रहे थे, खाली करो नहीं तो भी तक दबा देंगे। हमारे पास कुछ भी तो ही ना, खाली करो, हमने भंसार घर में जाऊंगा स्कूल में।
कितने लोग रहते हैं आपके घर? हम छह सात जने हैं। कौन कौन है? जो लड़का है वो। अच्छा, दो तीन चार। पास कोई दूसरी जगह नहीं रहने की? नहीं सर। कब से रह रही थी आप उस मकान में? 20 साल हो गई सर, हमें कुटीले में लोते जो। अच्छा, कुटीर बनी थी आपकी? कुटी ही थी हमने। उसके बाद भी गिरा रहे हैं? उसके बाद भी गिरा रहे हैं। सरकार ने बनवाई थी कुटी? हाँ, सरकार ने दी थी। स्कूल में साहब जो अतिक्रमण गिरावे मकान की सुनी थी, पहले के गए थे कि सामान हटा लो, सामान हटा के स्कूल में रख लो साहब। हाँ हाँ। कितने सालों से रह रहे थे आप वहाँ? करीबन 30 साल हो गए सर जहाँ पे रहते रहते हम। कुटीर भी मिली थी क्या आपको? कुटीर नहीं मिली सर, ये कागज दिए थे हमें पट्टे के। पट्टे के दिए थे? हाँ सर, पट्टे के कागज अभी सरपंच साहब ने ला के दिए थे। हमने पुराने पढ़े लिखे है नहीं है हम, कितने साल पुराने हैं। तो अब कहाँ, तुम्हारे पास कोई रहने दूसरी जगह नहीं है क्या? कोई जगह नहीं है सर। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चियाँ एक बच्चा है सर। अच्छा, चार। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं सर। जगह कोई दूसरी है आपकी? कोई जगह नहीं है सर। यदि आपको घर नहीं मिल पाता तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? मुसीबत ही है सर, रोड पे मारे मारे फिरेंगे। तो अभी आपके घर में मतलब किसी ने खाना खाया क्या? नहीं, कब से? कोई दो दिन हो गए सर खाना नहीं खाया अभी तक। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, भूखे रह रहे हैं, दो दिन से खाना नहीं खाया।